अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है अल्लाह की करम से रहमत से आप ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। हम आपको आज सैल करवाने वाले हैं सरगोधा शहर की, शहीनों का शहर, ठीक है ना। वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, आप सारी लोकेशन देख सकते हैं। तो मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि ये मेन बाज़ार है, साथ जो शरबत चौक है और गोल चक्कर है, तो मस्जिद भी आपको दिखाई है, साथ ये बिल्डिंग है पुरानी, और जो भी यहाँ के नज़ारे हैं आपको दिखाए जा रहे हैं। ये साथ लजीज कुल्फ़ी वाला इधर बना हुआ, बड़ा पीला सा रंग लेके बैठा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी एक मार्केट है, आपके सामने ही है, रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ से गाड़ी गुजरने की तो जगह तकरीबन एक हिसाब की जो ख़त्म होती जा रही है, आपके सामने ही है। ये साथ में ये देखें साग और ये चीज़ें बेच रही हैं औरतें, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, तो पेट पालने के लिए मजदूरी किस तरह कर रहे हैं दुनिया। फुटपाथ, ये छोटी सी फुटबैरी है यहाँ पर लगा के बैठे हुए हैं। हालात इस तरह के हैं मुल्क के, आपके सामने ही हैं गरीबों के। वो सामने सिरियाँ लगा के बैठा हुआ जनाब, कलेजी पता नहीं क्या क्या, ओजरी वगैरह सिरियाँ हैं। और ये जनाब नुक्कड़ पर चाय वाली दुकान है, ठीक है जी। यहाँ पर दो तीन दुकानें हैं मशहूर चाय वाली, आपको बताता जाऊँ, ठीक है। शरबत चौक बहुत मशहूर है। ये साथ अपना एले तशिया की जो यहाँ पर वो बम फूटा था बाहर, वो वाली लोकेशन है। और ये सारे बाज़ार से हम गुज़र रहे हैं, तो आगे बढ़ते हुए ये चौधरी लस्सी हाउस, माशाल्लाह चौधरी लस्सी हाउस ना, चौधरी लगा लें या अपना लस्सी और लस्सी का कर लें या चौधरी कर लें, काम ही होता है। यूसुफ दवा खाना, ये साथ बढ़ते हुए जी हम आगे जा रहे हैं। तो एक हमें नज़र आया अल्फला बैंक, ये सामने एक मस्जिद आई, एक और आपके सामने है। तो बाज़ार से गुजरते हुए यहाँ की लोकेशन आपको बताते जा रहे हैं सारी। ये रेड़ियाँ वेड़ियाँ उसी तरह लगी होती हैं जिस तरह आम, मतलब इस जगह पर सस्ती तरीन जो चीज़ें हैं बेचते हैं, ठीक है। सस्ता बाज़ार इसको कहते हैं, शरबत चौक सस्ता तरीन बाज़ार है। यहाँ पर मैं चीज़ें खरीदता रहा, शूज़ बड़े कमाल के हैं, रूमा शूज़, हाँ जी पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं, आशिकी शूज़ किसी का, कुछ धनक वाले भी हैं, धनक कपड़ा, तो धनक शूज़ वाले भी हैं यहाँ पर। वो ब्रांड कम है, जैसे बाटा सर्विस वाले होते हैं या कुछ और ऐसे ब्रांड है, वो नहीं है अपने, और इन्होंने खुद तैयार करते हैं जूती, बड़ी अच्छी बनाते हैं यहाँ की। तो आगे बढ़ते हुए जनाब फिर आपको आगे मज़ीद आपसे बातें होती हैं, तो सरगोधा शहर की आपको सैल कराएंगे इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं। हम हाई साहब के पास आ गए हैं, फर्नीचर इनके पास से 2.5-3 साल पहले मैंने फर्नीचर लिया, A1 आउट क्लास, और मार्केट से भी सस्ता और अच्छी चीज़ प्रोवाइड करके देते हैं, और अच्छा फर्नीचर सरगोधा और चनोट का मशहूर है। तो सरगोधे का हम बना रहे हैं वीडियो, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, क्या हाल है जी? ठीक हो जनाब? हो जनाब, सब ठीक है, ताज़ी फाजी जी सब। अपना नाम? मिर्ज़ा एजाज अहमद। अच्छा मिर्ज़ा, हाँ। साहब मुझे ये बताएं, आपने ये कब से ये शौक़ था काम के लिए या वैसे आपने? हाँ जी माशाल्लाह, मेरे शौक ही साहब बचपन से शौक़ था काम, और बचपन से हम काम कर रहे हैं ये वाला जो है, कितना काम है ना हमारा, जद्दी पुश्ती ये काम है फर्नीचर का, और माँ साहब बड़े शौक़ से बहुत अच्छी से अच्छा काम करके देते हैं हर गाहक को, परेशान को किसी किस्म की गारंटी भी होती है, हर किस्म की गारंटी भी है, और कोई परेशानी वाली इंशाल्लाह बात नहीं है। हम सबसे पुराने यहाँ पर बैठे हैं, तकरीबन 30-40 साल हो गए हमें,
और मैं पढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ माशाल्लाह मेरा मुकम्मल तजर्बा है, इसी 60 साल यही तजर्बा है मेरा इंशाल्लाह ताला। शॉप का ये वर्कशॉप का नाम क्या है? था जी तला फर्नीचर हाउस इकबाल कॉलोनी मेन रोड। माशाल्लाह आपको सेहत दे तंदुरुस्ती दे। और ये एड्रेस जरा मुझे बता दे कौन ये ना जी? इकबाल कॉलोनी नज़दीक टेलीफोन एक्सचेंज नजदान तला फर्नीचर हाउस मेरे इकबाल कॉलोनी मेन रोड। फर्नीचर मार्केट। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अल्हा। आप बेटे हैं? जी मैं उनका बेटा। नाम से तो कर रहे हैं जनाब ये सारा कुछ। बिल्कुल साहब, बाला साहब चले हमें थोड़ा सा फर्नीचर आप हमें विजिट करवाएंगे आपकी जो डिजाइन और लोकेशन आए हमारे साथ, फिर आपसे चाय पियेंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है, मेरे साथ साथ आ जाए, ये डिज़ाइन ज़रा गाइड करेंगे, इनसे गाइड होंगे और व्यूअर को भी बताएंगे कि सरगोधे का फर्नीचर क्या कमाल की चीज़ है। तो आप ये सब ज़रा बताएंगे इसके बारे में? हाँ ये जनाब ना सिर्फ 30,000 रुपये का बेड है ये। अच्छा 30,000 में बेड खाली मिलेगा। अच्छा, और इसके साथ ड्रेसिंग लेना है वो 25,000 रुपये का मिलेगा। अच्छा, हाँ जी ये 25 और 30 तकरीबन 55 हो गया तकरीबन। हाँ किया है ये किस चीज़ का बना हुआ? ये ना ये लकड़ भी होती है, मजबूत भी होती है, एक नंबर है। ओहो ये तो बहुत मजबूत। हाँ बहुत मजबूत है इंशाल्लाह ताला। हाँ ये जो है ये 70,000 रुपए का बेड। अच्छा पिछले वाला 70 वाला? हाँ 70 वाला है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे आगे इधर आ जाइए, आ जाइए। ये जो है तकरीबन एक लाख रुपए का तकरीबन बेड ड्रेसिंग जो है। कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है बेड। और वो ड्रेसिंग है उसका वो पीछे जो पड़ा है ये वाला। अच्छा, जो हाथ लगा के ना। अच्छा, ये वाला ये ड्रेसिंग है, ये ड्रेसिंग है, ये वाला जो है। अच्छा ये ड्रेसिंग तो, है। हाँ जी तो हम ये थोड़ा सा शीशा पीछे लगा। हाँ ये पीछे शीशा ही थोड़ा सा ऐसे हमें दिखा सकते हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आराम से। ले बेटा ऊपर से दिखा भाई। हाँ ये देखो कैमरा मैन मेरा दिखाएगा जी ऊपर से इसका डिजाइन जो वाकई जिसको मुंह से बोलता है। हाँ इंशाल्लाह पायदारी है, पायदारी और गारंटी है। तीन बंदों ने सीधा किया। हाँ जी ये अंदाजा कर ले ये कितना मजबूत और पायदार। माशाल्लाह ताला पायदारी और गारंटी है। थोड़ा सा ये इसके बारे में जरा इंदिरा आ जाए। ये 50,000 रुपए का। अच्छा 50,000 रुपए का बेड ड्रेसिंग जो है ये जो है मुकम्मल। अच्छा हाँ और क्या नाम कहते हैं गारंटी वाला है, गारंटी चीज गारंटी है, पायदारी है, मजबूती है, खड़खड़ा है, कीड़ा लग जाए कोई ये मुझे गड़बड़ हो। अच्छा अच्छा ये बंदे आपके पीछे काम कर रहे हैं साथ सारी वर्कशॉप जी। हाँ फैक्ट्री वा उधर बनी है खुद, हम ये सारा हमारा खुद अपने वर्कशॉप का तैयार हुआ है। हाँ फैक्ट्री और ये सिर्फ अपनी ये शोरूम है हमारा। अच्छा अच्छा हाँ ये अलमारी होगी बर्तनों वाली। चले ये दिखाएं जी अलमारी, दिखाएं अलमारी जो है ये बड़ी अलमारी है, बहुत जबरदस्त है यार। ये तो मैं खोल के देखूँ ऐसा जी जी बड़े फुल साइज है ये तो है जी बिल्कुल बिल्कुल सही। 35,000 रुपए की मिलेगी जी। माशाल्लाह यानी कि हमारे वीडियो की वजह से और सस्ता नहीं करेंगे? हाँ इंशाल्लाह करेंगे जब आएंगे नहीं और सस्ता करेंगे इंशाल्लाह फिर तो ठीक हो गया इंशाल्लाह। ये फुल आ रहा जी पायदारी और मजबूती और गारंटी है इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। बहुत मजा आया जी आपसे मिलके और ये आपकी चीजें देखकर। तो ये भी आपने ही तैयार किया? ये सारा बेड़ा पुराना लग रहा है ये सारा जो है ना। हाँ ये 40 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट। ओए 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 ये दिखाएं जी 40 साल पुराना, मैं हाथ लगा रहा हूँ इधर दिखाएं, ये 40 साल पुराना है ये नाजरीन देखे चेक करें। ये मेरे अपने हाथ का यानी बहुत मजबूती है, तो उठ ही नहीं रहा साहब। ये बहुत मजबूत है इंशाल्लाह ताला ना जी, पायदार बना हुआ है। वैसे आजकल बनाया तो ये कितने का बने? ये कम से कम जी 50,000 का बनता है आजकल बना देते हैं तो इतना माशाल्लाह पायदार। ये लकड़ है ये तरेक की लकड़ होती है। हाँ तरेक की बड़ी। अच्छा, खूबसूरत अच्छी लकड़ है। अच्छा, जैसे मैं गंदी हुई है ना इसलिए जरा पुराना हो गया 40 साल पुराना। ये जब पॉलिश करेंगे बिल्कुल 0 मीटर फिर हो जाता है। ये लाहौर से बहुत सस्ता है आपका फर्नीचर और म्यारी है। हाँ जी इंशाल्लाह ताला म्यारी है जी, हमारा काम है ना म्यारी होता है। ये पका ये कुर्सियाँ वगैरह पड़ी है, ये लकड़ देखो लगी हुई है। कुर्सियाँ दिखाएं जी, लकड़ दिखाएं। ये देखो कुर्सियाँ बड़ी हुई हैं। अच्छा अच्छा ये वाली। हाँ ये देखो ये शीशम का, शीशम का सामान है, इसको पॉलिश होना है। हाँ अभी पॉलिश होना है। अच्छा ये डिजाइन नीचे से थोड़ा सा दिखा दीजिए, दराज है इसके। अच्छा हाँ ये माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज है ये इंशाल्लाह ताला। इस तरह थोड़ा सामने बेड पड़ा है ये वाला, वो ये सवा लाख यार ये बड़ा प्यारा है। ये सारा ड्रेसिंग 1.5 लाख रुपए का वो पीछे पड़ा हुआ है, ये सारा दिखा यार ये तो बड़ा जबरदस्त। वो छोटी सी टेबल है, टेबल में ही है। हाँ जी हाँ जी ये तो बड़ा जबरदस्त। कुर्सियां भी साथ वो लेदर है? हाँ वो कुर्सियां लेदर हैं जी। हाँ जी इसका क्या रेट है? हाँ इसका जी सब
कम रेट करके ना जायज करके 1,30,000 रुपया जिसका रेट। अच्छा वैसे तो मार्केट में ये 2,00,000 रुपए से कम नहीं मिलेगा आपको। 2,00,000 से कम नहीं मिलेगा, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। ये जेन्युइन यानी कि जो फर्नीचर है कोई प्लाई कोई वो ये सब ये जेन्युइन अच्छे ये बलाती चीजें लगी हुई है सब इंशाल्लाह अच्छी चीजें लगी हुई है इसकी गारंटी है इसकी। आपसे कोई ऑर्डर करे तो टेलीफोन नंबर अपना 0301-675-3195 दोबारा बोल दे जरा 0301-675-3195 675 हाँ 3195 3195 तला फर्नीचर जी। इनसे रब्ता कर लें और आप ऑर्डर करें इंशाल्लाह। हमने भी लिया 2.5-3 साल पहले जी, गारंटी से है। तो मजीद हम फिर भी देख रहे हैं इनके पास से, कारीगर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी? मेरा नाम मुर्तजा अली है। मुर्तजा अली कहाँ के हो? मैं रहता तो भाई इलाका मेरा कराची का है। अच्छा, लेकिन अब मैं जो है ना रहायश जो है ना सरगोधे में रखी है। ये कितनी देर से इधर हो? तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 30-40 साल से मैं यहाँ से। मिर्जा साहब से इश्क हो गया? जी हाँ, मैं छोटा सा था जब से मैं इनके पास काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह ये हाँ तकरीबन मेरी उस वक्त उम्र कोई 25 साल थी माशाल्लाह, तो आज मेरी उम्र कम से कम 50 या 55 के लगभग है। जी हाँ, तो इसलिए कि इन्होंने जब भी हमें रखा अपने भाइयों की तरह। हाथ दिखाएं जी आपका, ये कारीगर है जी, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है। ये हाथ देखें, ये कारीगर है, इनकी मेहनत देखें, आपके कलाकार से आपको दिखा सकता है बार में। जी बिल्कुल, ऐसी ये बात है। हमारे पास शीशम का, विन बोर्ड का, विनियर का, हर चीज का जो काम होता है, तसली बख्श काम होता है इंशाल्लाह। मियार होता है, हर चीज का गारंटी होती है हर चीज की, और मियार के मुताबिक ये है कि सरगोधा। जी हाँ बिल्कुल ऐसी है जी, सरगोधा और चुनियोर जो है ना, जो चुनियोर जो है बैनुल कौमी सतह पर जो ना काम किया जाता है। और उसके बाद जो हमारा ये तला फर्नीचर है जो इकबाल कॉलोनी मेन रोड इकबाल कॉलोनी में जो हमारा ये शोरूम है, माशाल्लाह सबसे बेस्ट है। और इंशाल्लाह इसमें जो भी आते हैं गरीब हो, यतीम हो या मस्कीन हो, उसके मुताबिक जो है ना हमको रिटेल बताया जाते हैं, और इंशाल्लाह यतीम बच्चों के लिए खुशी से रियायत करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आज की हमारी वीडियो का टाइम ख़त्म हो रहा है जी। रब रखा, अल्लाह हाफिज़।